हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो मेटल आयंस होते हैं वो मेटल आयंस क्या करते हैं कि सॉलिड के सब्सटेंसेस ग्रुप्ड होते हैं टुगेदर। ठीक है, मेटल आयन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड टुगेदर इन टू स्मॉल रीजियंस। और इन स्मॉल रीजियंस को क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। अब जो मेटल आयन है सॉलिड के, वो किसमें है? स्मॉल रीजन में है, जिनको क्या बोलते हैं? डोमेन। और इन डोमेन, यहाँ पे ये जो डोमेन है ये किसकी तरह बिहेव करता है? खुद एक टिन्नी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक टिन्नी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जो भी है डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिसका क्या होगा? डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो अपने पास मेटल आयंस हैं वो डीप लोक के एलिमेंट्स हैं और वो भी मेटल हैं, तो इसी की तरह भी अकरेंगे, ये क्या कहलाएगा? हमारा डोमेन की फॉर्म में। अब जैसे कि ये इस तरह से डोमेन इस तरह से अरेंज हो, ठीक है, इस तरह से सबका अलाइनमेंट क्या हो? सेम हो, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और अगर एक दूसरे के क्या हूं, कैंसिल आउट कर रहे हूं, प्लस हाफ माइनस हाफ इस तरह से ये कैंसिल आउट कर रहे हूं, तो ये क्या कहलाता था? एंटी फेरो। और अगर लास्ट है फेरी, मतलब रैंडम ऑर्डर में हूं, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है? फेरी मैग्नेटिक, इस तरह से कहलाएगा। अब देखिए, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या होगा? उतना ही ज्यादा इसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा, ठीक। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये कैसा कहलाएगा? डायमैग्नेटिक करैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कब पैरामैग्नेटिक होगा कोई भी हमारे पास जो मेटल आयन है, और कब किस फॉर्म कोई भी मेटल कब डायमैग्नेटिक कहलाएगा? जब उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक। अब देखिए, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जितने ज्यादा हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फेरोमैग्नेटिक की तरह। सारे क्या हो रहे हैं? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं हम यहाँ पे। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो क्या होते हैं? अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? रिपेल्ड होते हैं। तो जो ये फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, ये पैरामैग्नेटिक की क्या कहलाती है? एक्सट्रीम कंडीशन कहलाती है। अब हम देखिए, इसके साथ साथ एक और कि मैग्नेटिक मोमेंट है वो दो चीजों से कोरिलेटेड होता है। एक तो क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन, और ऑर्बिटल एंगुलर मोशन, और दूसरी कौन होगी? एंगुलर मोशन। और दूसरी कौन सी होती है? स्पिन एंगुलर मोशन या मोमेंटम बोल सकते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दो चीजों पे जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है ये डिपेंड करता है। अब जो ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इनमें तो ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो किसकी वजह से है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से। और इसका फॉर्मूला होता है μ√(n)(n+2). ठीक है, जैसे आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 × 1+2। ठीक है, कितना आ जाएगा? √3, मीन्स नियरली क्या हो गया? 4, नियरली इक्वल टू 2, या फिर लिख सकते हैं 1.72 बोहर मैग्नेटन। ठीक है, मीन्स 7.3 या 2 बोहर मैग्नेटन, ये इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 है, तो ये क्या आ जाएगा? म्यू की वैल्यू 2 × √2+2। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? 4 2 प्लस 2, ठीक है,
फोर टू जा एट नियरली इक्वल टू नाइन मीन्स नियरली इक्वल टू थ्री मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके केस में भाई जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके नियर अबाउट एक ज्यादा क्या मिलता है हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरी प्रॉपर्टी आती है फॉर्मेशन ऑफ कलर डाइज। देखिए हमें पता है ये सारे क्या है मेटल है, है ना, और ये जो एस ब्लॉक और किसके पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक लाई करता है तो सॉलिड और एक्वस दोनों ही फॉर्म में ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये क्या शो करते हैं कलर की प्रेजेंस को शो करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि मेटल ग्राउंड स्टेट में मेटल के जो क्या है इलेक्ट्रॉन है और उसको जब एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाएगी तो वो क्या होगा रेडिएशन वगैरह दी जाए तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब इस एक्साइटेड स्टेट तो स्टेबल नहीं है तो ये वापस किस में आएगा ग्राउंड स्टेट में, यहां तो इसने एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब की थी अब यहां पे ये एनर्जी क्या करता है एमिट करता है। तो यहां पे जिस फ्रीक्वेंसी या फिर जिस वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी वो विजिबल रीजन में जो भी कलर होगा ना उसका क्या शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं देखिए तीन टाइप के कलर होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और तीसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइमरी जो कलर है ये रेड ग्रीन और ब्लू और सेकेंडरी क्या होते हैं दो प्राइमरी को अगर ऐड कर दे तो क्या मिलता है हमें सेकेंडरी कलर मिलता है। ठीक है जैसे रेड और ब्लू को मिलाए तो मैजेंटा और ग्रीन और ब्लू को मिलाए तो शान पीकॉक कलर जो होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं भाई जब दो कलर को मिलाते हैं तो उससे जो कलर मिलता है ना वो क्या होगा हमारे पास व्हाइट लाइट मिले तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो ये यहाँ पे जो विजिबल रीजन में जो भी कलर हो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं किसका टाइटेनियम का जैसे कि TiH2O6 तो इस केस में ये जो TiH2O6+ है एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कंपाउंड के फॉर्मेशन में है यहाँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे ये न्यूट्रल एजेंट की तरह भी होकर रहा है और प्लस थ्री एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री तो टाइटेनियम होता है 3D2 और 4S2। ठीक है अब यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम क्या होगा 3D1। ठीक है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इनके जो ये कौन सी है एक्साइटेड स्टेट है तो ये यहाँ पे क्या मिलती है हमें स्प्लिटिंग मिलती है आगे CFT में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो डी के है यहाँ पे कौन कौन से हैं DXY DYZ DZX DX²-Y² DZ²। तो DXY DYZ और DXZ ये एक्स और वाई ये वाई और जेड और ये जेड और एक्स एक्सिस। ठीक है इस तरह से क्या मिलते हैं हमें ये इन बिटवीन द एक्सिस क्या होती हैं लोब्स होती हैं और जो ये तो तीन यहां आ जाएंगे क्या क्या है ये DXY DYZ और DZX। ठीक है और जो दो बच गए जिन जो क्या होते हैं जिनके जो लोब्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस DX²-Y² ये एक्स और ये Y² हो और ये क्या है DZ² ये जेड है। तो इस तरह से ये हमने 11th क्लास में पढ़े थे तो ये DX²-Y² और ये होता है DZ² तो ये यहाँ पे लाई करेंगे DX²-Y² और ये क्या है DZ² मीन्स ये तो जो एनर्जी है ये लेवल है इससे कम तो क्या होगा हमारा T2G लेवल मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और ये कौन सा होता है EG लेवल। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा पहले तो ग्राउंड स्टेट में था ये एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है ग्राउंड स्टेट से इस T2G लेवल से एक्साइट होके किसमें चला जाएगा EG लेवल में चला जाएगा। जैसे ही ये EG लेवल में यहाँ गया एक्साइटेड स्टेट में तो ये वापस तो ग्राउंड स्टेट में आएगा जैसे हमने पहले देख लिया था लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे ये क्या करेगा येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा येलो को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसमिटेड जो लाइट होगी वो क्या होगी रेड एंड ब्लू होगी और रेड के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो वो कलर कौन सा देंगे जैसे कि हमारे पास है स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+
और जिंक 2+, इनके पास जो है ये D0 है, इसके केस में भी D0 है, D0 है, तो यहाँ पे कोई भी कलर हमें शो नहीं होगा। बुक में एक टेबल भी दे रखी है, उसको आप ध्यान से देखें। अब आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्यों, रीजन क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या है, कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयंस, ठीक है, क्योंकि इधर से इधर हम जाते हैं तो क्या होता है, एस की बजाय डी का साइज क्या मिलेगा, ये मेटल है इनका स्मॉल साइज होगा। दूसरा, इनका आयनिक चार्ज होगा, मेटलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये हाई आयनिक चार्ज होता है। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जैसे इसमें भी देखा हमने भाई कलर डायन के पीछे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के पीछे, इन में सब में कॉमन क्या है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देता है। और अब हम देखेंगे इसके अंदर कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में 11th क्लास में हमने पढ़ी थी कि जो ये क्या होता है भाई, जो एक होता है लेविस एसिड और एक पढ़ा था लेविस बेस। लेविस बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो कौन है, लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं वो कौन है, लेविस बेस। जैसे एग्जांपल हो हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल होते हुए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस एसिड की तरह। तो इनको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, इनको इलेक्ट्रॉन देता है लीजेंड, ठीक है। ये लीजेंड क्या है भाई, आयन न्यूट्रल या फिर एनायनिक या कैटायनिक स्पीसीज हैं जो क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। इस तरह से जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनके अंदर मेटल आयन बाइंड टू ए नंबर ऑफ एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल गिविंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जांपल है Fe(CN)6 और ये 3+, 3-, सॉरी ये क्या है 3-। इसी तरह से CuNH3(CuNH3)4 और ये रहेगा (4)2+, और प्लेटिनम का होता है Pt और Cl और ये क्या है 4 और 2-। इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन देते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या करेगा, ये लीजेंड है, ये क्या करेगा, इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर ये क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट लार्ज अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन देंगे, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड और इनकी स्टडी हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड की यूनिट में पढ़ेंगे।